चलिए पोलराइजेशन हमने शुरू कर दिया है। तुम लोग हर हालत में 9:15 तक आ जाया करो, है कि 9:15 तक हमें शुरू करना है हर हालत में। आज हम बताने जा रहे हैं क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, है ना। देखिए जिसको ना देखने में दिक्कत हो रही इधर उधर एडजस्ट कर लेगा। अरे राहुल इधर आगे बैठ गए, राहुल कुमार देखिए इधर उधर गर्दन अर्दन एडजस्ट कमेंट कर लेना भाई। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और हाफ का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो क्वार्टर वे प्लेट 1/λ/2 का पाथ डिफरेंस देती है, हाफ वे प्लेट λ/2 का पाथ डिफरेंस देती है और क्वार्टर वे प्लेट λ/4 का पाथ डिफरेंस देती है। तो ये टॉपिक है, पहले हम बता रहे हैं क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके। इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल है, क्वार्टर पे, हाफ वेव पर और स्पेसिफिक रोटेशन पर, तीन ही स्पेशल टॉपिक हैं जिन पर आपके पोलराइजेशन में न्यूमेरिकल है। या लॉ ऑफ मेलस का वो IE/IO आ जाए बस, उसके अलावा न्यूमेरिकल नहीं है। पेन लाओ जरा कोई, वैसे क्या तुम डिस्टर्ब होगी, तुम नीचे बैठ जाओ, जाके लाइट जला के आराम से पढ़ती रहोगी, यहाँ तो डिस्टर्ब रहोगी। नीचे हाल है ना, वहाँ नीचे बैठ के लाइट जला के आराम से बैठ के पढ़ो। देखिए क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट जो है आपकी यूनि एक्सियल क्रिस्टल कैल्साइट और क्वार्ट्ज से बनी हुई प्लेट है, ठीक है। तो इट इज़ ए प्लेट ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल, ठीक है। इट इज़ ए प्लेट ऑफ यूनिएक्सियल क्रिस्टल, ये प्लेट है यूनिएक्सियल क्रिस्टल दैट इज कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। इट इज ए प्लेट ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज, ये प्लेट है किसकी। इट इज ए प्लेट ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल दैट इज कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज, कैल्साइट और क्वार्ट्ज की प्लेट है। कौन सी डब्ल्यू, ये आपकी क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। इसमें यही हाफ वेव प्लेट में करेंगे, आज न्यूमेरिकल भी इसका बता देंगे। तो ये हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, इट इज ए प्लेट ऑफ यूनिएक्सियल डब्ली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल, ये एक प्लेट है डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल की एक प्लेट है, ठीक है। इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। इसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो है, इट इसके इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं
आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, वो ऑप्टिक एक्सिस से ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में होते हैं। जरा ऊपर से काढ़ा ले लेना, इसको हम और सरल लिख दें, इसको और सरल लिख दें, इस पॉइंट को हम और सरल लिखना चाह रहे हैं। क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स, ये लिख दे रहे हैं। क्वार्टर वेव प्लेट किससे बनी होती है? कैल्साइट और क्वार्ट्स से। क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स, इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में होते हैं, इसके प्रकाशिक अक्ष जो है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, इसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में होते हैं। रिफ्रैक्टिंग फेसेस मतलब जिनसे रिफ्रैक्शन होना है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में। ये देखिए, ये है आपकी क्वार्टर वेव प्लेट, इसके ऐसे रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में, अपवर्ती पृष्ठ जो है ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है, इसकी थिकनेस जो है क्वार्टर वेव प्लेट की टी है, ठीक है, टी है। ये है रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में, रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। अब इस पर आपने लाइट इंसिडेंट कर दी, लीनियरली पोलराइज लाइट, चाहे ई रेस चाहे ओ रेस, आपने प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट कर दी, तो इससे दोनों रेज निकलती हैं, ठीक है, मतलब ये जैसे ही क्रिस्टल में जाती हैं तो ऐसे हो जाती हैं, ई रेस के भी वाइब्रेशन हो गए और ओ रेस के भी, बहुत ना के बराबर है वो, तो हम फिगर में अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखा दे रहे हैं एक, ठीक है। तो जब ये निकलेगी और ये वाली निकलेगी, ये वाली रे जो है जिसके वाइब्रेशन ऐसे होते हैं उसे हम कहते हैं ई रेस, उसे हम कहते हैं ई रेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज लाइट, और इसे हम कहते हैं ओ रेस, इसे कहते हैं ई रेज, इसे कहते हैं ओ रेज, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, और आपके ऊपर कई और भी बर्डन हो गए, तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो पर आप उसके वो चीज़ जो देना चाहिए आपके पास समय ही नहीं है। कई बार बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं पर उनको और भी एक्स्ट्रा वर्क करने हैं, घर के लिए बजाय, घर में कुछ पैसे की प्रॉब्लम है तो जॉब भी करनी है, पता चला 6-7 घंटे तो उनके जॉब में निकल जा रहे हैं, तो पढ़ने में अच्छे होने के बावजूद वो क्या हो जाएंगे, धीमे धीमे ऑर्डिनरी, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, मतलब उतना तेज नहीं है, पर उसके घर में उसको बहुत अच्छा एटमॉस्फियर दिया जाता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। तो देखते होगे ना, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके पिताजी को मालूम है कैसे क्या कराना है, और दूसरी बात यह है कि वो वैसा एटमॉस्फियर दे रहे हैं, वैसी पढ़ाई का माहौल क्रिएट करा रहे हैं, ठीक है, क्या करना है वो एक ये वो हो जाता है, उसको पता है कैसे क्या करना है। ऐसा नहीं कि दूसरों के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, पर डॉक्टरों के ज़्यादातर डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो वही कारण है कि वो माहौल देते हैं,
वैसे ही यहां पर माहौल का मतलब ऑप्टिक एक्सिस से है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन आएंगे वो है ई रेस के, और जो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन आएंगे वो ओ रेस के। तो ये बात बोली नहीं जाती पर ये ध्यान रखिएगा, ई रेज वो है जिसके वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग है, ओ रेज वो है जिसके वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जब क्वार्टर वेव प्लेट पर आपने लीनियरली पोलराइज लाइट इंसीडेंट करी तो इसने ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई फोर का पाथ डिफरेंस दे दिया, और यही हाफ वेव प्लेट पर इंसीडेंट करोगे तो लैम्डा बाई टू का। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट में बस यही है कि इसकी थिकनेस हम ऐसी रखी जाती है कि ये ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई फोर का पाथ डिफरेंस देगी। अब यही हम तीसरा पॉइंट देख लो, पहला तो एक वो टिपिकल वर्ड हो रहा तो हमने इसके लिए इजी कर दिया, क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स क्रिस्टल, इनको बनाया जाता है कैल्साइट क्रिस्टल से और क्वार्ट्स। ठीक है, मतलब दो ही क्रिस्टल है कैल्साइट और क्वार्ट्स, इसके अलावा हम नहीं लेते। कैल्साइट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव क्रिस्टल, और क्वार्ट्स को हम कहते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग है, जो क्वार्ट्स का नेचर है उसके अपोजिट कैल्साइट का है, इसलिए उसे कहा जाता है कैल्साइट को नेगेटिव और क्वार्ट्स को कहा जाता है पॉजिटिव, बाकी उसके अंदर से कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, अब देखिए इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, ये आपके रिफ्रैक्टिंग फेसेस, वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है, तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। तीसरा पॉइंट, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द When plane polarized light is incident on the quarter wave plate, when plane polarized light is incident on the quarter wave plate पर incident करते हैं, when plane polarized light is incident on the quarter wave plate, then क्वार्टर वेव प्लेट गिव द लैम्डा बाई फोर पाथ डिफरेंस, गिव द लैम्डा बाई फोर पाथ डिफरेंस बिटवीन E rays and O rays, give the lambda by 4 path difference between E rays and O rays. आगे पीछे भी लिख दो O rays and E rays. ठीक है, E rays और O rays के बीच में lambda by 4. तीसरा point, ये चौथा point. Quarter wave plate की thickness को हमने T से दिखाया है. If T खोल दो जरा बेटा, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, जो टी है थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की, टी जो है थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की, काढ़ा पियोगे काढ़ा पीजिए सभी लोग तो आप वो कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम लोग कुछ नहीं होगा, कुंडी लगा देने इस बोर्ड से। तो लैम्डा बाई फोर का पाथ डिफरेंस देता है और टी जो है थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की, If T is the thickness of quarter wave plate, अब देखिए अब quarter wave plate बनी है किससे, positive crystal से, if quarter wave plate is formed by positive crystal,
इफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई पॉजिटिव क्रिस्टल से बनी। पॉजिटिव क्रिस्टल का मान क्या मतलब है? क्वार्ट्स क्रिस्टल। तो आपको हमने लास्ट टाइम बताया था क्वार्ट्स क्रिस्टल के लिए म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी है। इधर आ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ। म्यू ई की वैल्यू, कुंडी लगाओ जरा सा, वो बार बार बेचारी तुम्हारी सहेली उठ रही है, इधर रख दो। म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी से ज़्यादा, एक याद करना पड़ेगा। अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी से ज़्यादा है। अब एक चीज़ आप जरा, आपसे कुमार इधर देखो, आकाश क्या होता है कि लाइट रेस का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है कि लाइट रेस का ऑप्टिकल पाथ नापा जाता है। मतलब जो हम लाइट रेस के द्वारा डिस्टेंस होती है, जैसे लाइट यहाँ से चली वहाँ तक, तो आप कहोगे लाइट रेस के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो हम लाइट का हमेशा ऑप्टिकल पाथ नापते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस हमेशा। तो लाइट का जैसे पाथ डिफरेंस लेना है तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस। अब लाइट ने यहाँ पर टी डिस्टेंस ट्रेवल की, टी थिकनेस ट्रेवल की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अगर ये क्वार्ट से बना है तो ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई, ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी, ये आएगा, ठीक है। और क्वार्टर वेव प्लेट है वो कितना पाथ डिफरेंस दे रही है? लैम्डा बाई फोर का, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस आया म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी। क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर का मतलब ही 1/4, तो लैम्डा बाई फोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी, कितना पाथ डिफरेंस दे रहा है? लैम्डा बाई फोर। तो ये थिकनेस आ गई क्वार्टर वेव प्लेट की क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए टी बराबर लैम्डा बाई फोर म्यू ई माइनस म्यू ओ। ये थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की जो किससे बनी है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इधर ऊपर रख दो, इस पे रख दो, फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब देखिए, अगर क्वार्टर वेव प्लेट किससे बनी है? कैल्साइट से। इफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव क्रिस्टल से बना है। तो यहां उल्टा हो जाएगा, म्यू ओ बड़ा हो जाएगा म्यू ई से।
म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई, और पाथ डिफरेंस म्यू ओ इंटू टी म्यू ई इंटू टी लैम्डा बाई फोर। टी कॉमन ले लिया, लैम्डा बाई फोर म्यू ओ माइनस म्यू ई, ये थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की अगर ये बना है किससे, कैल्साइट क्रिस्टल से या नेगेटिव क्रिस्टल। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल। ये आपका नोट करो जल्दी से। तो किधर से तुम लोग आई, किधर से हो, रास्ता बता। इधर से नवाबगंज से होते हुए, और तुम कहाँ रहती हो, वहीं रहती हो। हम इसलिए कह रहे हैं रास्ता बता दें तुमको, शॉर्टकट रास्ता है कि रेव थ्री से सीधे चले जाओ कंपनी बाग चौराहा, और कंपनी बाग चौराहा से एसडी कॉलेज से होते हुए सीधे, तो जितना वासुदेव पड़ेगा उतने लगेगा तुम्हारे लिए, बराबर है। नोट कर लिया, खींच लो, खड़े होके खींचो, बाकी ऐप पे तो डाउनलोड करेंगे। तो देखिए क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर का मतलब लैम्डा बाई फोर, क्वार्टर मींस वन बाई फोर से होता है, हाफ का मतलब वन बाई टू। तो क्वार्टर वेव प्लेट किससे बनी होती है, कैल्साइट क्रिस्टल से, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स। ये इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इसके जो अपवर्ती पृष्ठ है, इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। व्हेन प्लेन पोलराइज, अनपोलराइज मत इंसिडेंट करो, प्लेन पोलराइज, ठीक है, निकोल प्रिज्म से आपसे आपने बना लिया, चाहे ई रेज हो चाहे ओ रेज हो, क्योंकि बिल्कुल प्योर कभी किसी डिवाइस से मिल ही नहीं पाती। अगर आप सोच रहे हो ई रेज है तो वो प्योर ई रेज नहीं है, उसके साथ ओ रेज मिलके आ रही है। अगर आप कह रहे हो ओ रेज है तो बिल्कुल प्योर ओ रेज नहीं है, उसके साथ ई रेज मिलके आ रही है, बिल्कुल प्योर कोई डिवाइस नहीं बना सकता। तो यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट आपने इंसिडेंट करी, चाहे ई रेज चाहे ओ रेज, तो वो क्या करेगा, दोनों जैसे ही क्रिस्टल में आएंगे तो दोनों रेज हो जाएंगे, ई रेज और ओ रेज, ई रेज के ये वाइब्रेशन, ओ रेज के ये वाइब्रेशन, ई रेज पर के वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ओ रेज के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ई रेज के वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग भी देखो दिख रहे हैं, ऑप्टिक एक्सिस यही तो है, तो उसके अलोंग भी है, और ओ रेज के वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्वार्टर वेव प्लेट, देन क्वार्टर वेव प्लेट गिव द लैम्डा बाई फोर पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज, ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई फोर का पाथ डिफरेंस देती है। जो हमने नोट्स में लिख के भेजा थोड़ा टिपिकल था, कि ये लिख दिया था इट इज ए प्लेट ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज, उसको हमने बिल्कुल सिंपल लिख दिया कि क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। अब
एफ टी इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, टी थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की। इफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई पॉजिटिव क्रिस्टल या क्वार्ट्स क्रिस्टल, क्वार्टर वेव प्लेट बनी हुई है पॉजिटिव क्रिस्टल से या क्वार्ट्स क्रिस्टल से, तो क्वार्ट्स क्रिस्टल के लिए ये याद करना है। आपने हाइगेंस प्रिंसिपल में भी बता दिया हमने, ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रेस से ज़्यादा, म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ, तो पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी, टी बाहर ले लिया, म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी किसके बराबर, लैम्डा बाई फोर के, तो टी बराबर लैम्डा बाई फोर म्यू ई माइनस म्यू ओ। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्स क्रिस्टल। इफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल, तो आप क्या करिए, म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई, ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज़्यादा, और आपका पाथ डिफरेंस म्यू ओ इंटू टी म्यू ई इंटू टी बराबर लैम्डा बाई फोर, टी बराबर लैम्डा बाई फोर म्यू ओ माइनस म्यू ई, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल। अब इसी तरह सेम है हाफ वे प्लेट, हाफ वे प्लेट सेम, हाफ वे प्लेट, हाफ वे प्लेट बिल्कुल सेम रखोगे तो याद करना नहीं ज्यादा पड़ेगा। हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स क्रिस्टल, फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स क्रिस्टल, ये बनी होती है कैल्साइट और क्वार्ट्स क्रिस्टल से। हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स क्रिस्टल, इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेज आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, वही बात सेम बना दिया। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन ऑन द हाफ वे प्लेट, इंसिडेंट करते हैं हाफ वे प्लेट, देन क्वार्टर वे प्लेट, देन हाफ वे प्लेट, देन हाफ वे प्लेट गिव द लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज, ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस देती है। इफ टी इज द थिकनेस ऑफ हाफ वे प्लेट, टी जो है थिकनेस है हाफ वे प्लेट की, इफ हाफ वे प्लेट, हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई पॉजिटिव क्रिस्टल या क्वार्ट्स क्रिस्टल, तो म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू, वो तो मतलब वही रहेगा, आपका पाथ डिफरेंस ये कितना देगा, लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो टी बराबर लैम्डा बाई टू म्यू ई माइनस म्यू, दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वे प्लेट फॉर्म्ड बाई प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्स क्रिस्टल। इफ हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल, फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल, तो म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई, तो ये कितना हुआ, लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो लैम्डा बाई टू म्यू ओ, दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वे प्लेट फॉर्म्ड बाई पॉस्ट नेगेटिव क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल, ये हो गया, ठीक है। ये आपका सिंपल सा, तो देखिए हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स क्रिस्टल, हाफ वे प्लेट बनी होती है कैल्साइट और क्वार्ट्स क्रिस्टल से, जहाँ क्वार्टर किया था वहीं सेम कैल्साइट, वहाँ हाफ कर लो क्वार्टर वे प्लेट की जगह, तो ज़्यादा थ्योरी नहीं याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेज आर कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, टी थिकनेस है, अनपोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, ई रेज बनाया ओ रेज बनाया, ये कितना देगा, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू, जब निकलेगी तो ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन हाफ वे प्लेट, इंसिडेंट होती है हाफ वे प्लेट पर, देन हाफ वे प्लेट गिव द लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज, ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस देती है। इफ टी इज द थिकनेस ऑफ हाफ वे प्लेट, टी जो है थिकनेस है हाफ वे प्लेट की, जो टी है थिकनेस है हाफ वे प्लेट, इफ हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई पॉजिटिव क्रिस्टल क्वार्ट्स क्रिस्टल, तो म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ, अब लगा लीजिए पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी म्यू ओ इंटू टी, तो ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी किसके बराबर, लैम्डा बाई टू, तो आपका टी बराबर लैम्डा अपॉन टू म्यू ई माइनस म्यू ओ।
दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वे प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल. अब आपकी इफ हाफ वे प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल तो म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई. तो ये आपने एक लास्ट टर्न किया तो याद कर लीजिए. अब आपने पांच डिफरेंस म्यू ओ इंटू टी म्यू ई इंटू टी बराबर लेमडा बाई टू और ये आ गया टी बराबर लेमडा बाई टू म्यू ओ माइनस म्यू. दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वे प्लेट फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल. यस वो बहुत पुरानी इस किताब रखी उठा दो. इसी पर न्यूमेरिकल है बस. ठीक कोई नोट तो नहीं कर रहा कर फोटो खींच लो आराम से. तुमको फोटो खींचनी हो खींच लो. हाफ की क्वार्टर की खींच लिए थे हाफ की. तुम नोट कर रहे हैं क्या राहुल हो गया वही सेम जाके क्वार्टर की जगह हाफ करके लिख लेना. जहां पे क्वार्टर किया है वहीं सब जगह हाफ कर लेना लैम्डा बाई टू का पाद. ठीक है अब देखिए जरा एक न्यूमेरिकल देखिए. इसी का न्यूमेरिकल आता ही है. इसमें ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. देखिए कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वे प्लेट और हाफ वे प्लेट. क्वेश्चन है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ कैलकुलेट थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ क्वार्टर वे प्लेट एंड हाफ वे प्लेट. हाफ वे प्लेट कैलकुलेट थिकनेस ऑफ क्वार्टर वे प्लेट एंड हाफ वे प्लेट प्लेट. कैलकुलेट थिकनेस ऑफ क्वार्टर वे प्लेट एंड हाफ वे प्लेट प्लेट गिवन दैट. ये आपको दिया हुआ है म्यू ई की वैल्यू दे रखी है 1.553 ये म्यू ई की वैल्यू है. म्यू ओ की वैल्यू है 1.544 ये म्यू ओ की वैल्यू है. लैम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम ठीक है. और आपको थिकनेस निकालनी है क्वार्टर वेव प्लेट की भी और हाफ वेव प्लेट की. देखिए ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ से ज्यादा दे रखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा क्रिस्टल है पॉजिटिव क्रिस्टल है. तो म्यू ई मतलब क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए 1.553 म्यू ओ 1.544 लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम. तो 5000 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर. तीन कम करिए 5 × 10^-5 सेंटीमीटर. अब देखिए पहले हम
क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस निकालें तो टी बराबर लैम्डा बाई फोर म्यू ई माइनस म्यू, ये हमने जो दिया हुआ है उसी आधार पर कर लिया। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए दिया हुआ है म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से ज़्यादा होती है, वही उन्होंने दे दिया, वो फिक्स होता है क्वार्ट्ज के लिए, यही होता ही रिफ्रैक्टिव 1.553 ई का और ओ का 1.544। अब ये वैल्यू रख दीजिए टी बराबर रखिए यहां पर 5×10⁻⁵, 4 और ये है 1.553 1.544 544। तो ये वैल्यू जरा सब्ट्रैक्ट करिए कितना बच रहा है, तो t बराबर आया 5×10⁻⁵, 4 और ये आपका आ गया है, इधर गया 13 में से 4 जाएगा 9.009, यही आएगा ना। सॉल्व करिए जरा 1.3939 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ये थिकनेस आ गई। अब हाफ वेव प्लेट का लगाइए, हाफ वेव प्लेट का लगाइए, ये हुआ क्वार्टर का, तो टी बराबर लैम्डा बाई टू म्यू ई माइनस म्यू, तो 5×10⁵ 1.553। अब ये आ गया 5×10⁻⁵ 2×0.009, ठीक है। तो आधा हो गया उसका, मतलब यहाँ 4 था, अब यहाँ पे आ 2 रह गया तो 2 गुना हो गया, तो t की वैल्यू 2.78×10⁻³ सेंटीमीटर, ये t आ गया। अब आइए एक सोडियम लाइट पे लगा लें और, ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल, फिर कैल्साइट पर एक लगवा देंगे। तो इनमें लाइट हमने सोडियम ले लिया, जिसके पास नोट ना हो नोट करते जाए भाई, फाइंड द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट, when sodium light is used, sodium light use की जा रही है जिसकी wavelength lambda का मान 5890 angstrom, mu e का मान 1.553 दे रखा है, म्यू ओ का मान 1.544 दे रखा है, 1.544 दिखा रहा, वेवलेंथ ये है,
तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 माइनस 8 सेंटीमीटर। देखिए म्यू ई का मान 1.553, म्यू ओ का मान 1.544, ये होता है किसके लिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जो न्यूमेरिकल होगा वो वही वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये याद कर लिखना कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए वैल्यूज होती हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए वैल्यूज होती हैं। अब आपको निकालना पहले क्वार्टर, तो t बराबर लैम्डा बाई 4 म्यू ई माइनस म्यू ओ, 5890 10 टू द पावर माइनस 4, म्यू ई का मान 1.553, 1.544 सॉल्व करिए, ये आएगा, ये आ रहा है 1.636 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 1.636 हाफ में जस्ट डबल आएगा, हाफ में जस्ट डबल आएगा। t बराबर लैम्डा बाई 2 म्यू ई माइनस म्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 5890 पेन चलाते रहो, दो जैसे हम चला रहे हैं, तुरंत प्रखर नोट कर लो, 553, 1.544 इसकी वैल्यू जस्ट डबल कर लो, 2, 6, 7 हो गया, ठीक है, 3.272 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, उसी को मैं डबल कर लिया। ये क्वार्ट्स के लिए लगा रही है। अब जरा एक कैल्साइट का और लगा लो, बस कैल्साइट का एक लगा ले, ठीक है, कैल्साइट का एक और लगा ले। देखिए फॉर कैल्साइट क्रिस्टल, तीसरा न्यूमेरिकल है, फॉर कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए म्यू ओ, म्यू ओ की वैल्यू दे रखी है 1.658। ये हमने निकोल प्रिज्म याद भी कराई थी, याद भी रखना, निकोल प्रिज्म के लिए ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्ट, क्योंकि वो कैल्साइट 1.486 है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, निकोल प्रिज्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 होता है, और ऑर्डिनरी क्योंकि कैल्साइट क्रिस्टल से बनी होती है, और ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 होता है, निकोल प्रिज्म पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, सोडियम लाइट यूज की गई है, कैलकुलेट करना है क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट की थिकनेस, ठीक है। सोडियम लाइट, लाइट इज यूज्ड, यूज्ड जिसकी वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन कैलकुलेट
थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट दोनों कैलकुलेट करनी है। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट दोनों कैलकुलेट करनी है। उन्होंने एवरेज दे रखा है 5893 एंगस्ट्रॉम, सोडियम लाइट की वेवलेंथ का एवरेज दे रखा। देखिए जरा, म्यू ओ की वैल्यू 1.658 है, म्यू ई की वैल्यू 1.486 है, वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम है, तो 5893 इंटू 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, ये आपका ठीक है। अब आपको थिकनेस निकालनी है क्वार्टर की। क्वार्टर वेव प्लेट कैल्साइट से बना, तो टी बराबर लैम्डा बाई 4 म्यू ओ माइनस म्यू ई, म्यू ओ माइनस म्यू ई ठीक है। अब लगा दीजिए टी बराबर 5893 इंटू 10⁻¹⁸ 4, म्यू ओ की वैल्यू है 1.486, करो कैलकुलेट 6, आंसर बताओ, कैलकुलेशन ही कर डालो तुम। 4 कितना बचेगा यहाँ पे हुआ जाके, कितना बचा है 0.172 है, 0.172 बता रहे हैं। ये वैल्यू आई 8.56 इंटू 10⁻¹⁵, जरा देखो क्या आ रही है, 8.56 इंटू 10⁻¹⁵ आ रही है, -5 सेंटीमीटर। देख लीजिए सभी लोग करके, हाफ का देखिए, नोट कर डालो, बस टाइम ओवर हो रहा है, बस हाफ का कर डालें। तो ये हमने कैल्साइट पे भी लगवा दिया, क्वार्ट्ज़ पे भी लगवा दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल में देख के लगाइए, हाफ वेव प्लेट के लिए, हाफ वेव प्लेट टी बराबर लैम्डा बाई 2 म्यू ओ माइनस म्यू, ये है 5893 -8 2 इंटू 1.68 ठीक है, ये वैल्यू आएगी 5893 -8 2 इंटू 0.172, ये वैल्यू डबल कर लो, -5 जस्ट डबल वेवलेंथ हो जाएगी ठीक है। ये एक से ही न्यूमेरिकल है,
तो हमने ग्रुप में उसकी पूरी फोटो पिकअप डाली पिक डाली थी, करना चाहोगे तो और कर भेज देंगे उनसे प्रैक्टिस कर। वो फिक्स होता है कैल्साइट के लिए, ये न्यूमेरिकल इसीलिए एक्सा हो रहा है, कैल्साइट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 है, ठीक है, और ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 है, तो वो फिक्स है। वेवलेंथ हम बदल रहे हैं उससे बदल रहा है। और क्वार्ट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.553 है, बात ना करो बच्चों, और ऑर्डिनरी का 1.544 है, तो वो फिक्स है, इसलिए न्यूमेरिकल एक सा। वेवलेंथ जो बदलेगी उस आधार पे बदलेगी, कर लो नोट जो करना चाहे। इसीलिए दो तीन न्यूमेरिकल ही सफिशियंट है, इन्हीं में से आने। ठीक है बच्चों, कर लिया? अभी वेडनेसडे को क्लास लेंगे, फिर जैसा बताओगे वैसे छुट्टी करेंगे, ठीक है।